संबंध एवं फलन कर दिया। इलेवेंथ हिंदी मीडियम हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था और सेकंड चैप्टर मैंने फलन कराया था कल। अब फलन कराने के बाद वास्तविक मान फलन, कुछ फलनों के ग्राफ खींचने वाले थे अपन, कुछ फलनों के आले खींचेंगे। फलन पहले तत्समक फलन कहते किसे हैं, और तो फलनों के कुछ फलनों के आलेख, कुछ फलन तथा उनके आलेख, आलेख का मतलब ग्राफ, उनके आलेख ग्राफ। तो सबसे पहले है तत्समक फलन। तत्समक फलन फलन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन। y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी एक्स की इमेज एक्स है, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। फलन का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित है, उसे तत्समक फलन कहते हैं। एफ ए टू ए, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल, केवल और केवल स्वयं से संबंधित है तो उसे तत्सम्मक फलन कहते हैं। प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित है। यदि समुच्चय के अवयव 1, 1, 1, 2, 3 और एफ ए टू ए, एफ तत्सम्मक फलन होगा यदि एफ बराबर 1 का रिलेशन 1 से 2, 2 एंड 3, 3। ये तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन। यदि किसी समुच्चय में ए में, ए से ए में परिभाषित है फलन कोई, समुच्चय का ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित है, दूसरों से भी नहीं होना चाहिए, केवल और केवल स्वयं से संबंधित है, तो ऐसे फलन को तत्समक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्समक फलन कहते हैं। और जैसे समुच्चय का अवयव 1, 2, 3 तो एफ ए टू ए में है, एफ तत्समक होगा यदि एक की इमेज एक है, 2 का इमेज 2 है और 3 का इमेज 3 है। ऐसे फलन को क्या बोलते हैं? तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। और ये कोई भी रियल नंबर में, तो इसका आलेख देखिए, आलेख एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जान तो एफ को बाई, तो देर फोर बाई इज इक्वल टू एक्स। बिल्कुल आराम से आप इसकी टेबल भी बना सकते हो, 3 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। एक्स और बाई, ये लो भाई आपने लिया 0, एक्स बराबर 0 तो बाई बराबर 0, 1 का 1 से ये आर में है, एफ किस में, आर से आर, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, -1, -1, -2, -3, -3। तत्समक फलन में प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित होता है। अब केवल और केवल का मतलब है किसी और से संबंधित नहीं होना चाहिए। इसका आलेख खींच दो। वन टू थ्री फोर फाइव, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। इसके लिए भी लिखना है या पैमाना,
पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और लगा दीजिए 0, एक्स बराबर 0 के लिए 0, 1 तो बाई बराबर भी 1, 2 के लिए 2 और बाई बराबर 2, 3 के लिए 3 और बाई बराबर -1 और -1, -2 और -2, -3 और -3, तो ये आ गया आपका तत्समक फलन y is equals to fx, fx is equals to fx कर लो, fx is equals to x। तत्समक फलन की परिभाषा क्लियर है, ऐसा फलन जिसमें प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित होता है उसे तत्समक फलन कहते हैं। केवल और केवल का मतलब है और किसी अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए, प्रांत दोनों घटक क्रमित उनके दोनों घटक समान होंगे तत्समक फलन में 1 1 2 2 3 3, तो ये और इसका आरेख हमेशा एक सीधी रेखा आएगी जो मूल बिंदु से गुजरेगी। तो ये था तत्समक फलन और उसका ग्राफ, तत्समक फलन और उसका ग्राफ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x की इमेज x है, 1 की इमेज 1, 2 की 2, 0 की 0, -1 की -1, रियल नंबर से रियल नंबर में है और ये इसका आरेख खींचा है। अगला फलन, ये कुछ फलन के आलेख हैं, इसके बाद है फलन नंबर 2, अचर फलन, अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन, अचर यानी प्रत्येक अवयव की एक ही इमेज है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स बराबर सी, एफ एक्स बराबर सी, ऐसा फलन जिसमें सभी अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, एफ ए टू ए टू बी, एफ एक्स बराबर सी, एफ बराबर एक्स कॉमा सी, एक्स कॉमा सी, प्रत्येक अवयव की, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव है, एक ही अवयव है, वह अचर फलन कहलाता है, अचर फलन कहलाता है। और अचर फलन का आलेख, इसका आलेख देखिए भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, देयरफॉर बाई बराबर सी, अगर बाई बराबर सी तो रेखा क्या होगा, इसका आलेख क्या होगा, बाई बराबर सी, तो बाई बराबर सी इधर आएगा, इस पे एक्स अक्ष के समांतर आएगा, बाई बराबर सी, ये रहा भाई, ये हो गया बाई बराबर सी, ये 0, c, बाई बराबर सी, अचर फलन का आलेख हमेशा एक्स अक्ष के समांतर आएगा, या सी इधर माइनस होता तो माइनस सी। अचर फलन ऐसा फलन जिसके सभी अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव है उसे कहेंगे अचर फलन। अचर फलन का आलेख हमेशा क्या रहेगा, बाई बराबर सी, बाई बराबर सी यानी बाई अक्ष के समांतर। अचर फलन के बाद ग्राफ है अपना, बहुपदीय फलन नंबर 3, बहुपदीय फलन, इसको बोलते हैं अपन बाई का फलन x के पदों में, बहुपदीय, जैसे बाई बराबर
an into x की पावर n, an माइनस वन x की पावर n माइनस वन, या इसको a1 a2 कर लो यहाँ, और a3 x की पावर n माइनस टू अप टू a की पावर n an, तो ये बहुपदीय फलन हो गया। ऐसे फलन क्या कहते हैं? बहुपदीय। बहुपदीय का आलेख यानी बाई x के पदों में वो बहुपदीय फलन होगा, और हम आलेख खींचेंगे बाई बराबर एक्स क्यूब एक का आलेख खींचो, फलन क्या हो गया? बाई बराबर एक्स क्यूब, और इसको लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। तो आलेख खींचने के लिए हमें क्या चाहिए? आलेख खींचने के लिए हमें पॉइंट चाहिए दो, और बाई और एक्स दे रखा है, इसकी कम से कम 10 पॉइंट 9 पॉइंट ले लीजिए। एक्स वाई एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, यहाँ रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैलिड में नहीं है। किसी भी फलन का आलेख खींचने के लिए हमें बिंदु चाहिए। बिंदुओं को निरूपित करते हैं अपन कार्तीय तल में, उसके लिए दो निर्देशांक, कम से कम दसवीं में तो आपने तीन लिए थे, यहाँ कम से कम आठ दस निर्देशांक लेंगे। तो देखो यहाँ एक्स बराबर जीरो, ये रहा एक्स बराबर जीरो रखा है यहाँ, एक दो तीन चार, यहाँ रख दो एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो रखा तो इसकी कर संगत बाई का मान भी जीरो होगा। एक्स बराबर जीरो रखने पर बाई का मान, एक्स बराबर एक रखिए एक, तो बाई का मान बाई बराबर एक का क्यूब बराबर एक तो आएगा। अब एक्स बराबर दो रखो, दो का क्यूब क्या होगा? आठ। एक्स बराबर दो रखा तो दो का क्यूब क्या होगा? आठ, दो गुना दो गुना दो, तो बाई का मान आठ आ गया। और एक्स बराबर तीन रखा, तीन का क्यूब सत्ताईस, बहुत इतना ही, चार का लोगे तो चार का चौंसठ आएगा, बड़ा हो जाएगा। माइनस वन रखो, दोनों साइड में रखना, एक पैटर्न आता है। एक्स बराबर माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का क्यूब माइनस आएगा कि नहीं? माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस वन का क्यूब बराबर माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस वन, और माइनस वन बराबर माइनस वन। अब माइनस दो रखेंगे तो माइनस दो का क्यूब माइनस आठ, और माइनस तीन का क्यूब माइनस सत्ताईस। ये तो पॉइंट आ गए। अब पॉइंट को हमें आलेख करना है, पैमाना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है? ग्राफ पेपर पर ये दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींच देंगे। ये जानते हैं ये मूल बिंदु, ये एक्स और एक्स डैश, एक्स अक्ष हो गई, इधर ये बाई ओ बाई डैश बाई अक्ष, एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई, एक इकाई क्या हो गया? ये पैमाना। अब एक इकाई बराबर तो एक सेंटीमीटर बड़ा खाना आएगा, उसको जगह वन, कितने तक जाना हमें? सत्ताईस तक, इसको छोटा कर लो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच छ सात और आठ, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, चलेगा नंबर? बड़ा पैमाना भी ले सकते थे, एक सेंटीमीटर दो इकाई भी, इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व। ये अब आपको पहले बिंदु कौन सा? जीरो जीरो, पहला निर्देशांक किसका? जीरो जीरो, तो जीरो जीरो तो मूल बिंदु पर ही होगा। वन के लिए देखो, वन के लिए बाई का मान क्या? वन वन एक्स पर बाई, ये हो गया वन वन। अब टू के लिए कितना आएगा? आठ, तो टू के लिए आठ, और तीन के लिए कितना होगा? ये सत्ताईस, यहाँ जाएंगे तो ये बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? तीन कौमा सत्ताईस, ये दो कौमा आठ, और ये वन कौमा वन, ये जीरो। अब माइनस वन के लिए देखिए, माइनस वन के लिए बाई का मान माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस वन, ये माइनस वन कौमा माइनस वन। माइनस दो के लिए, माइनस दो के लिए माइनस आठ, तो माइनस दो के लिए माइनस आठ ही रहा,
ये और ये, ये माइनस दो माइनस आठ और फिर माइनस तीन के लिए माइनस सत्ताईस नीचे तक जाएगा, तो इसको आप यहाँ लिख दें माइनस तीन और माइनस सत्ताईस। अब इनको आप फ्री हैंड से मिला दीजिए, इन बिंदुओं को फ्री हैंड ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऊपर सत्ताईस से आ रहा है ना, ऐसे ये बिंदु हो गया, तो ये ग्राफ किसका हो गया, बाई बराबर यानी एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब का बहुपदीय फलन, ये बहुपदीय फलन का आलेख है। इसमें पॉइंट अपनी मर्जी से लेने, हमें कुछ दे नहीं रखा है, तो हमने छोटे मान लिए वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री के लिए, और पैमाना अपनी मर्जी से मानेंगे, एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई लिया तो सत्ताईस तक जा रहा है, आगे बढ़ा देंगे, बड़ा पैमाना ही मान सकते हो, यहाँ वाई एक्स पर एक सेंटीमीटर दो इकाई मान लो तो दो चार छः आठ हो जाएगा, एक्स अक्ष पर एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई। तो ये आलेख हुआ किसका, बहुपदीय फलन या बीजीय फलन भी कह सकते हैं, बाई बराबर एक्स क्यूब का आलेख है। और इस आलेख को खींचने के लिए, किसी भी फलन के आलेख के लिए हमें बिंदु लेने होते हैं, और बिंदु लेने के लिए तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मापांक फलन, मापांक फलन के अंग्रेजी मॉडुलस फंक्शन, और एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स, ये जो वर्टिकल लाइन है तो इनको क्या कहते हैं, मोड बोलते हैं। इसका मतलब है एक्स का कोई मान रखिए आप, इसकी इमेज हमेशा साइन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, मोड का मतलब धनात्मक मान रहेगा, तो एफ एक्स तो बाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, इसका ग्राफ खींच रहे हैं, या मोड ऑफ एक्स मतलब है एक्स का मान नेगेटिव होगा तो भी उसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ग्राफ के लिए वही आपके पास टेबल होनी चाहिए, कम से कम ये एक्स और बाई, एक दो तीन चार, ये जीरो रखो भाई, मॉडुलस फंक्शन का मतलब है एक्स बराबर जीरो तो बाई का मान भी क्या रहेगा, जीरो, एक्स बराबर जीरो बाई का मान जीरो, एक्स बराबर वन प्लस के लिए प्लस ही आएगा, बाई बराबर वन, दो के लिए दो, तीन के लिए तीन, चार के लिए चार, माइनस एक, एक्स बराबर माइनस वन रखेंगे, एक्स बराबर माइनस वन तो बाई बराबर मोड ऑफ माइनस वन का मतलब प्लस वन। मॉडुलस फंक्शन में हमेशा बाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव, प्लस वन रखा तो प्लस वन आ रहा है, माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा, प्लस वन, प्रत्येक नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये वन, माइनस दो रखेंगे तो प्लस दो आएगा, एक्स बराबर माइनस दो तो बाई बराबर माइनस टू, बाई बराबर प्लस का टू, इस मोड का मतलब है धनात्मक मान आएगा, माइनस है तो क्या लिया हमने, प्लस, प्लस है तो प्लस रहेगा ही, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। इस फंक्शन को बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, तो तीन के लिए माइनस तीन के लिए क्या रहेगा, प्लस तीन, ये पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे आलेखित कर दें, ये पहला पॉइंट जीरो जीरो, दूसरा वन वन, तीसरा टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, और एक्स माइनस वन वन, माइनस टू टू एंड माइनस थ्री थ्री, ये पॉइंट्स आ गए। एक्स निर्देशांक पहला आ रहा है जीरो जीरो वन, एक्स की वैल्यू वन तो बाई की वैल्यू वन वन वन, एक्स की वैल्यू टू, एक्स निर्देशांक बाई की वैल्यू टू, थ्री के लिए थ्री, फोर के लिए फोर, माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन तो बाई बराबर क्या, प्लस वन, ये क्या हो गया, माइनस वन वन, एक्स बराबर माइनस टू तो बाई का मान क्या है, प्लस टू, माइनस थ्री प्लस थ्री। तो मापांक फलन में प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, मॉडुलस फंक्शन, इसका बिल्कुल आलेख आसान है, पैमाना लिख देंगे यहाँ, एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई, ये स्केल से खींचना है दोनों का प्रतिच्छेद मूल बिंदु, ये एक्स एक्स डैश बाई ओ बाई डैश, पैमाना अंग्रेजी में स्केल,
एक सेंटीमीटर बराबर एक इकाई। ग्राफ पेपर में जो बड़ा खाना होता है वो सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 प्लस 1, 2, 3, 4 माइनस 1, -2, -3, -4 इधर -1, -2, -3, -4 एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब देखिए पहला बिंदु 0, 0 एक्स वाई दोनों 0 तो बिंदु कहाँ होगा यहाँ पर 0, 0। दूसरा बिंदु 1, 1 पॉजिटिव एक्स ये 1 और 1 ये हो गया 1, 1 फिर दूसरा 2, 2 2 और ये भी 2 तो 2 पे कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा भाई 2, 2 और 3, 3 और 3 ये अपने थोड़ा नीचे ले लिया ग्राफ तो ये आ जाएगा 3, 3 और 4, 4 के लिए 4, 4 आ जाएगा इधर 4, 4 फिर इसके बाद -1 के लिए x तो -1 है y क्या है +1 तो -1 एंड +1 इधर आएगा -1, 1 -2, +2 -2, +2 -3, +3 ये -3, +3 ज्वाइन कर दो इनको तो किस शेप में बनेगा ग्राफ ऐसे बिल्कुल ऐसी शेप में आएगा इसमें यहाँ मिलेगा भाई ये और ये ऐसे इसको हटा दीजिए तो ये जो शेप आएगी वो कैसी होगी बी शेप में इनको मिलाएंगे सही ये बनेगा बी शेप में ये 1, 1, 1, -1, 1, -2, -2, 2 और ये -3, 3 ये इस शेप में आएगा बाई बराबर मोड ऑफ एक्स मापांक फलन का ग्राफ। तो ये थे कुछ 4 फलनों के ग्राफ बताए और कल फिर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हिंदी मीडियम के लिए इतना ही। आलेख खींचना था आलेख को इंग्लिश में बोलते ग्राफ ग्राफ ज़्यादा पॉपुलर है आलेख को लिखता नहीं है तो ग्राफ खींचना मैंने आलेख क्या ग्राफ भी लिख दिया ठीक है भाई कल इसको कंटिन्यू करेंगे आगे।